क्या बिहार में 23 मई को खून खराबा होने वाला है? क्या 23 मई को होगी खूनी काउंटिंग? देश में 23 मई को लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। एग्जिट पोल्स के बीच वोटों की गिनती गुरुवार को जारी हो जाएगी, लेकिन इससे पहले ही महागठबंधन के नेताओं ने धमकी देनी शुरू कर दी है। नेताओं ने खुलेआम धमकी देते हुए कहा है कि अगर लोकसभा चुनाव परिणाम में कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश की गई तो हिंसा और हथियार उठाने पर वो मजबूर होंगे। अब रिजल्ट लूटने की घटना हुई तो सड़कों पर खून बहेगा। दरअसल एनडीए सरकार में कभी नरेंद्र मोदी के सहयोगी रहे आरएलएसपी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पटना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो एग्जिट पोल को सिरे से खारिज करते हैं। महागठबंधन के समर्थकों को नीचा दिखाने के लिए जानबूझकर एग्जिट पोल का सहारा लिया जा रहा है। कुशवाहा ने हिंसा की धमकी देते हुए कहा कि लोगों में इतना आक्रोश है कि अगर कोई खून खराबा होता है तो इसके जिम्मेदार नीतीश कुमार और केंद्र की सरकार होगी। मतगणना के दिन हमारे समर्थक और जनता तैयार हैं, क्योंकि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। अगर रिजल्ट लूटने की घटना हुई तो सड़कों पर खून बहेगा। खास बात यह है कि कुशवाहा जब सड़कों पर खून बहाने की धमकी दे रहे थे तो उस दौरान वहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे और महागठबंधन के अन्य नेता मौजूद थे। आपको बता दें कि ईवीएम पर सवाल उठाने वाले कुशवाहा वही कुशवाहा हैं जिन्होंने साल 2014 के चुनाव में इसी ईवीएम से चुनाव जीतकर केंद्रीय मंत्री बने थे, लेकिन विरोधी खेमे में आते ही ईवीएम को लेकर उनकी राय ही बदल गई और वो भी ईवीएम पर सवाल उठाने लगे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के बाद ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखा जाता है। ऐसे में विपक्षी नेताओं के नेता स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। पिछले दो दिनों में कई नेताओं ने स्ट्रांग रूम में ईवीएम से छेड़छाड़ का दावा करते हुए इसकी शिकायत की है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा के बयान ने इस मुद्दे को अलग ही मोड़ दे दिया है। कुशवाहा के अब इस विवादित बयान पर क्या कहना चाहेंगे आप? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दें। साथ ही पूर्वांचल की ऐसी ही लगातार ताज़ा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पूर्वांचल लाइव को।